नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष, आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी। और आज हमारे पास फिर से तीन और फोन्स आ चुके हैं बैटरी ड्रेन टेस्ट के लिए। ये है इन्फिनिक्स हॉट 10S, ये आज ही लॉन्च हुआ है इंडिया में और इसकी प्राइसिंग शुरू होती है 9,999 से। और यहाँ पर जो बाकी दोनों फोन्स हैं हमारे पास, इनकी भी प्राइसिंग ऐसी ही है, 9,999 के प्राइस पर आता है रेडमी 9 पावर। इसके अलावा यहाँ 9,999 के प्राइस पर आता है नार्जो 30A। और तीनों ही फोन्स में आपको 6,000 mAh बैटरी मिलती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितना बैटरी ड्रेन होता है तीनों फोन्स में। लगभग 6.5-7 घंटे का हम यहाँ पर बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर टैप करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। वीडियो पसंद आए आपको तो यहाँ पर लाइक और शेयर भी आप करिएगा। जल्दी से मैं यहाँ पर तीनों फोन्स को ऑन करके सेटअप कर देता हूँ। तीनों फोन्स को 100% चार्ज करके मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। दोस्तों, तीनों फोन्स को यहाँ पे मैंने स्विच ऑन कर दिया है। मैं जल्दी से सबसे पहले यहाँ पर तीनों फोन्स में डार्क मोड को सेट कर देता हूँ, ताकि ठीक ठाक यहाँ पे आपको दिख जाए कि भाई क्या चल रहा है तीनों फोन्स में। तो गाइज, यहाँ पर तीनों फोन्स को मैंने फुल ब्राइटनेस पे सेट कर दिया है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, तीनों फोन्स यहाँ पर फुल ब्राइटनेस में है। एक और चीज मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मैं यहाँ डिस्प्ले को 60 हर्ट्ज पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल रही है ऑन द इन्फिनिक्स हॉट 10S। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों ही फोन्स को मैंने सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है और तीनों ही फोन्स में जो ब्राइटनेस है वो फुल कर दी है मैंने। जल्दी से मैं यहाँ पे आपको बैटरी स्टेटस एक बार चेक करवा देता हूँ। तो गाइस, तीनों फोन्स में आप देख सकते हैं कि 100% बैटरी है। एक बार मैं क्लोजअप में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ रेडमी 9 पावर में 100% बैटरी है और यहाँ इन्फिनिक्स हॉट 10S में भी आप देख सकते हैं कि 100% बैटरी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ नार्जो 30A में तो खैर आपको दिख ही रहा है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं अब हम बैटरी ड्रेन टेस्ट। गाइस, यहाँ पे हमने टाइमर के लिए रखा है रेडमी नोट 10S, और तीनों फोन्स को मैंने यहाँ पर फुल ब्राइटनेस पे सेट कर दिया है। और तीनों ही फोन्स में जो ऑडियो है वो भी बिल्कुल मैक्स वॉल्यूम पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तीनों फोन्स में ऑडियो भी मैंने मैक्स वॉल्यूम पे कर दिया है। 2 घंटे का बैटरी ड्रेन टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले 2 घंटे का वीडियो लूप टेस्ट, और उसके बाद हम इस टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स बिगिन, 3, 2, 1, गो। यहाँ पर 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक तीनों फोन्स पर हमने कंप्लीट कर लिया है। तीनों ही फोन्स पर हमने YouTube से वीडियो डाउनलोड करके यहाँ पर वीडियो प्ले किया 720p रेजोल्यूशन में। ऑडियो लेवल्स और ब्राइटनेस तीनों फोन्स में शुरुआत से ही मैक्स पर थे। तो यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं बैटरी स्टेटस। 82% बैटरी है इस वक्त ऑन द इन्फिनिक्स हॉट 10S। और अगर हम चेक करें रेडमी 9 प्राइम को, Redmi 9 Prime में गाइज 78% बैटरी है इस समय। और ये बात थोड़ी ऑब्वियस भी है, क्योंकि यहाँ पे फुल HD डिस्प्ले मिल रहा है, सो येस इट इज़ बाउंड टू हैपन। और 81% बैटरी आपको यहाँ मिल रही है नार्जो 30A पर। तो गाइज, अब चलिए अगला हम टेस्ट यहाँ पे करते हैं, जो है 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट। मैं पहले ही आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो फ्लैश है वो तीनों फोन्स में हमने ऑफ कर रखा है। ये जो थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कैमरा बम्प। सो येस, प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस। तीनों फोन्स में जो फ्लैश है वो हमने ऑफ कर रखा है। सो लेट्स बिगिन विद 1 hour ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 30fps फ्रॉम द रेयर कैमरा। 3, 2, 1, गो। यहाँ पर
वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है तीनों फोन्स पर 1080p 30fps, और मैंने शुरुआत में ही आपको दिखा दिया था कि मैंने फ्लैश तीनों फोन्स में ऑफ कर दिया, तो यहाँ पर फ्लैश किसी फोन में भी ऑन नहीं था। चलिए जल्दी से यहाँ पर चेक करते हैं हम बैटरी स्टेटस। 67% पर है Infinix Hot 10s। यहाँ पे अगर हम चेक करें Redmi 9 Prime को तो 67% पर पहुँच चुका है Redmi 9 Prime, और अगर हम बात करें यहाँ Narzo 30A की तो 72% पर है Narzo 30A। और यहाँ पर ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है ऑन द Redmi 9 Prime, क्योंकि यहाँ आपको फुल HD डिस्प्ले मिल रहा है। मैं बार बार ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कॉमेंट्स में लोग कहेंगे, तो मैं भी ये बात समझ रहा हूँ। एनीवेज चलिए अब बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ, और अब हम खेलेंगे तीनों फोन्स पर गेम, हैवी गेम Asphalt 9, और एक घंटे के लिए चलेगा ये गेम तीनों फोन्स पर। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे तीनों फोन्स में बैटरी स्टेटस। यहाँ पे ऑडियो को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, ऑडियो यहाँ पे अभी भी मैक्सिमम लेवल पर है, और डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी हमने किसी फोन में नहीं छेड़ी है, डिस्प्ले ब्राइटनेस भी यहाँ पर फुल है। तो यहाँ पे हमने एक घंटे की गेमिंग कर ली है तीनों फोन्स पर, और चलिए अब चेक करते हैं यहाँ पर बैटरी स्टेटस। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं Infinix Hot 10s की तरफ, तो 53% पर है इस वक्त Infinix Hot 10s, और यहाँ पे मैं बात करूँ Redmi 9 Prime की तो 51% पर है इस वक्त Redmi 9 Prime, और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ Narzo 30A तो 59% पर है इस वक्त Narzo 30A। तो चलिए अब हम तीनों फोन्स पर बेंचमार्क्स रन करना शुरू करते हैं। एक घंटे के लिए तीनों फोन्स पर बेंचमार्क्स चलेंगे, और यहाँ पे हम Geekbench और Antutu को प्ले करेंगे एज एन रन करेंगे तीनों फोन्स में, और उसके बाद हम चेक करेंगे बैटरी स्टेटस। सो लेट्स बिगिन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देता हूँ। राइट नाउ इट लुक्स बेटर, एज इन मैंने यहाँ पर आसपास की ब्राइटनेस को एडजस्ट किया है, फ़ोन की ब्राइटनेस को नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर Antutu बेंचमार्क से, और उसके बाद Geekbench रन करेंगे, एंड देन वील कीप गोइंग वाइस वर्सा, स्विच करते रहेंगे हम यहाँ पर एक घंटे तक। एक घंटे का यहाँ पर बेंचमार्क टेस्ट हो चुका है, तीनों फोन्स पर हमने Antutu और Geekbench को रन किया है फॉर 1 आवर। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा रन किया था क्योंकि यहाँ जब मैंने टेस्ट स्टार्ट किया था तो Infinix Hot 10s पर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पर 2-3 मिनट एक्स्ट्रा कर दिए। चलिए अब यहाँ पर बैटरी स्टेटस हम चेक करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं Infinix Hot 10s के साथ, तो 39% पर पहुँच चुका है Infinix Hot 10s, और Redmi 9 Prime अगर हम चेक करें बैटरी एंड परफॉर्मेंस 37% पर आ गया है Redmi 9 Prime, और यहाँ पे इफ़ वी टॉक अबाउट द Narzo 30A तो 43% पर है Narzo 30A। तो चलिए अब 2 घंटे का फिर से यहाँ वीडियो प्लेबैक करते हैं तीनों फोन्स पर, और उसके बाद हम फिर फाइनली चेक करेंगे बैटरी स्टेटस। सो मैं जल्दी से यहाँ पर इनको सेट कर देता हूँ। तो गाइज मैंने तीनों फोन्स को यहाँ पर सेट कर दिया है फॉर 2 आवर ऑफ टेस्ट, जो कि होगा वीडियो प्लेबैक का, और यहाँ पे हम वीडियो लूप करने वाले हैं 2 आवर्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम और ब्राइटनेस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, 3, 2, 1 गो। यहाँ पर 7 घंटे पूरे हो चुके हैं इस टेस्ट को, हमने अभी यहाँ 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक एक बार फिर से किया था तीनों फोन्स पे। तो चलिए यहाँ पर अब बैटरी स्टेटस हम चेक कर लेते हैं। 21% पर आ चुका है Infinix Hot 10s, Redmi 9 Power अगर हम चेक करें तो यहाँ पर
14% बैटरी हो गई है Redmi 9 Power की, अगर मैंने इसको पहले गलती से Redmi 9 Prime बोल दिया, सो आई एम रियली सॉरी। Redmi 9 Power की 14% बैटरी यहाँ पर हो चुकी है, और यहाँ पे Realme की एक बार हम बैटरी जल्दी से चेक करते हैं, 24% पर है Narzo 30A। तो ये बैटरी स्टेटस है इस वक्त तीनों स्मार्टफोन्स का, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस बैटरी टेस्ट से एक बढ़िया आइडिया मिल गया होगा कि तीनों फोन्स में किस तरह का आपको बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा। तीनों ही फोन्स में आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और प्राइस तीनों फोन्स का बिल्कुल सेम है। तो गाइज, ये थी हमारी वीडियो बैटरी ड्रेन टेस्ट की, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। Infinix Hot 10s की एक और वीडियो बहुत जल्दी आ रही है हमारे चैनल पर, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। And we will see you soon in the next one. Till then, take care of yourself. Goodbye. Stay safe. And yeah, goodbye.